वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 दिसंबर 2019 और 10 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो अवेयरनेस फैलाई जाती है उसके लिए ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब इस बार के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, 9 दिसंबर को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? नरसंहार पीड़ितों की याद और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो नरसंहार पीड़ित होते हैं उनकी याद के लिए और नरसंहार को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसका नाम है नरसंहार पीड़ितों की याद और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 9 दिसंबर को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज कराता हूं। दिसंबर में पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 1 दिसंबर को, और क्या था? वर्ल्ड एड्स डे। उसके बाद 2 दिसंबर को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। कौन सा था पहला? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और उसके बाद राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये 3 इंपोर्टेंट डे मैंने आपको 2 दिसंबर को बताया था, यानी कि 2 दिसंबर को ये 3 इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। उसके बाद 4 दिसंबर को मनाया गया था भारतीय नौसेना दिवस। उसके बाद 5 दिसंबर को भी 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे, एक था वर्ल्ड सॉयल डे और एक था इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। उसके बाद 7 दिसंबर को मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और अब ये 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार पीड़ितों की याद और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्यों में वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 24 राज्यों में वन धन विकास केंद्र खोले गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत भारत के 24 राज्यों में 799 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 2018 में। अब मैंने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 2018 में हुई, तो कब होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन? 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत हुई थी और अभी तक इस योजना के थ्रू 24 राज्यों में 799 वन धन विकास केंद्र खोले जा चुके हैं। अब ये होते क्या है वन धन विकास केंद्र? तो ये आदिवासी और जनजाति लोगों के लिए होते हैं। जो आदिवासी और जनजाति लोग हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो शिल्पकारी करते हैं, जो काश्तकारी करते हैं, यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सेल करने के लिए, यानी कि उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए,
ये प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की गई थी, और इससे अभी तक 12 लाख आदिवासी प्रभावित हो चुके हैं, यानी कि 12 लाख से ज्यादा आदिवासी और जनजाति लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैटेलाइट डुच्ची फैट थ्री का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसराइल का ये एक सैटेलाइट है डुच्ची फैट थ्री, और ये इसराइल के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है, और इसी को अभी इसरो के प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैंने आपको बताया कि इसराइल के स्टूडेंट्स ने ये डेवलप किया है डुच्ची फैट थ्री सैटेलाइट, अब इसराइल ने किया है, तो ये है मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। यरूशलम भी कहते हैं, जरूसलम भी कहते हैं, और जेरूसलम भी कहते हैं, तीनों ही नाम हैं, तीनों ही याद रखने हैं। और इसराइल की कैपिटल बहुत विवाद में रही है, इसलिए इसराइल की कैपिटल आपको जरूर याद रखनी है। इसराइल की करेंसी क्या है? इसराइली न्यू सेकर। और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका उद्घाटन हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने किया है, और हरियाणा में कहां पर किया है? हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। अब बात हरियाणा की है, तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो अभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता भोपाल में शुरू हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 9 से 13 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी, और अभी ये भोपाल में शुरू हो गई है। अब ये जो प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1997-1998 में, और जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो अभी साउथ अफ्रीका की जोजेविनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये जो टर्म लिखा है मिस यूनिवर्स, इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि सर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में अंतर क्या होता है? क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में क्या अंतर होता है? तो दोनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, और जो मिस वर्ल्ड होती है उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं, और जो मिस यूनिवर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट कम होते हैं, यानी कि जो मिस यूनिवर्स चुनी जाती हैं उसमें पार्टिसिपेंट कम होते हैं। जैसे ये जोजेविनी टुंजी चुनी गई हैं, ये मात्र 90 पार्टिसिपेंट में से चुनी गई हैं, दुनिया भर के 90 पार्टिसिपेंट थे उसमें से ये चुनी गई हैं, लेकिन जो मिस वर्ल्ड होती है वो ज्यादा पार्टिसिपेंट में से चुनी जाती हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर होता है, और दोनों की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। तो इस बार की मिस यूनिवर्स 2019 चुनी गई है जोजेविनी टुंजी, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है जोजेविनी टुंजी। और सेकेंड नंबर पर रही है प्यूट्रो रिको मेडिसन एंडरसन, और ये जो थर्ड नंबर पर आपको दिख रही है कैटरियोना ग्रे, ये लास्ट ईयर यानी कि 2018 की मिस यूनिवर्स थी। इन्होंने ही इस बार की मिस यूनिवर्स जोजेविनी टुंजी को ये ताज पहनाया है, मिस यूनिवर्स 2019 का ताज कैटरियोना ग्रे ने इनको पहनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है गिरीश चंद चतुर्वेदी, और इन्हीं को अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। एक्चुअल में ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ये पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, लेकिन अब इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन्ना मारिन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है?
तो अभी सना मारिन फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है सना मारिन, और ये मात्र 34 साल की हैं, ओनली 34 ईयर की हैं ये, और ये अब तक की सबसे कम उम्र की फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अब ये प्रधानमंत्री बनी है फिनलैंड की, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी अपने देश भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 18वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये इंडिया और म्यांमार के बीच में है, तो आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? वर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसीलिए इसकी करेंसी है वर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पायका विद्रोह स्मारक स्थल का शिलान्यास कहां किया है? तो अभी अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पायका विद्रोह स्मारक स्थल का शिलान्यास किया है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उड़ीसा में एक जिला है खुर्दा, वहां पर ये पायका विद्रोह स्मारक स्थल, और पायका जो विद्रोह हुआ था वो 200 साल पहले हुआ था, आज से 200 साल पहले हुआ था, 1817 में जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम पायका विद्रोह हुआ था। तो इस बार इसके 2 साल पूरे हुए हैं, और 2 साल पूरे होने पर उड़ीसा के खुर्दा जिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पायका विद्रोह स्मारक स्थल का शिलान्यास किया है। अब ये शिलान्यास उड़ीसा में किया गया है, तो पिछले कई दिन से लगातार मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता रहा हूं, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, और अभी पृथ्वी 2 मिसाइल का भी इसी पर सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल्य भारत रोड शो कहां आयोजित किया गया है? तो अभी सिंगापुर में अतुल्य भारत रोड शो आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। घूमने के लिए इंडियन का फेवरेट प्लेस है सिंगापुर, और यही पे अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया है। अब ये आयोजन सिंगापुर में किया गया है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव पुस्तकालय का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी मैसूर में मानव पुस्तकालय का आयोजन किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैसूर, इसे सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, यानी कि महलों का शहर इसे कहा जाता है, और यहीं पे मानव पुस्तकालय का आयोजन किया जाएगा। अब ये टर्म आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि मानव पुस्तकालय का क्या मतलब होता है। पुस्तकालय समझ में आता है, यानी कि लाइब्रेरी समझ में आती है, लेकिन ह्यूमन लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? तो लाइब्रेरी में क्या होता है? आप किताबों से नॉलेज गेन करते हो, और जो ह्यूमन लाइब्रेरी है उसमें क्या होता है? आप ह्यूमन से नॉलेज गेन करते हो। एक्चुअल में ये माना जाता है कि किताबों में जो नॉलेज है वो एक टाइम के बाद पुरानी हो जाती है, यानी कि उसमें अपडेट करने की जरूरत होती है, और जो ह्यूमंस हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो इसीलिए ये मानव पुस्तकालय का कंसेप्ट आया। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य हैं उन्हीं से नॉलेज गेन की जाती है, क्योंकि मनुष्य टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं, लेकिन पुस्तकों को टाइम के साथ अपडेट करना पड़ता है। तो मानव पुस्तकालय का आयोजन अभी मैसूर में किया जाएगा। वैसे इंडिया के कई और सिटीज में भी मानव पुस्तकालय हैं, जैसे हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, इनमें ऑलरेडी मानव पुस्तकालय हैं, लेकिन अभी मैसूर में मानव पुस्तकालय का आयोजन किया जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है, तो अभी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2019
ई कॉमर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।